विषय कठिन है, अंतिम है, मैं क्या बोलूँ मालूम। इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये संसार उस अभ्यासी के लिए बुरा नहीं, और यही जो संसार अभी भवसागर या बंधन स्वरूप और ये वो दिखता है, नहीं होता, वो ज्ञान स्वरूप होता है। और वो फूल जब इतना विकसित हो जाता चल, वो समाधि अवस्था में चलता हुआ दिखता, उसका रंग सभी रंगों वाला होता, जितने भी रंग हैं। जैसे उदाहरण, सूर्य में अगर उनकी किरणों को देखो तो कई तरह के रंग दिखाई दे, वो सभी रंगों वाले, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट चलता रहता। मैं जानू कई साल, यानी कुछ साल, कई साल मतलब कुछ साल बीत जाते अभ्यास करते रहो, तो जब करते हैं ना, तो मैंने जो जाना, तो जब मैं उस फूल के केंद्र में पहुंचा अभ्यास करते करते, तो मैं देख रहा हूँ चार पंखुड़ी बंद हैं। बीच बीच में अपना अनुभव भी बताता जाता, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ नीरस है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, और ये शब्द सुनने के लिए कोई अभ्यासी तुम्हें कहाँ मिलेगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, कौन बताएगा। फिर भी जानकारी कर लो, कि नहीं कहते हैं कि हाँ जानकारी होना चाहिए कि आगे क्या होता है, सहस्रार चक्र क्या होता है, और नहीं तो मैं अपने उसमें मैसेंजर में ढेरों को दिखा दूँ कि ढेरों के सहस्रार चक्र खुले हुए हैं। फिर अभी महिमा भी बता दूंगा, अभी नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा बाद में। तो मैंने देखा, अर्थात धीरे धीरे अभ्यास करके, क्योंकि रितंभरा प्रज्ञा का वैसे ही प्राकट्य, वो चित्त की भूमि भी तोड़ रही है, इधर उसका विकास हो रहा है, सभी साथ साथ चलता है। तो कभी दिखाई देता कि चित्त की भूमि टूट रही है, वो ये है, और संसार में तो घोर कष्ट उठाना ही पड़ेगा, तब अकल खुल जाती है उस अभ्यासी की, कि जिसे हम अपना समझते थे वही उसे कष्ट दे रहा होता। तो अंत में यानी केंद्र में जब पहुंचता है, जो मध्य भाग जो केंद्र होता है पूर्व, तो देखता है चार पंखुड़ी, मैंने देखा चार पंखुड़ी बंद है, वो बहुत समय तक बंद रहे, मतलब चार पंखुड़ी ऐसे बड़े, बहुत बड़े आकार, थोड़ी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े आकार, पूरे आकाश में समाई होती, ऐसे बंद, वो भी फिर धीरे धीरे खुलने लगती। तो अंत में दिखाई देता, अंत में जब विकसित लगभग पूरा हो जाता, कि उसके मध्य में कोई बैठा हुआ है, और वो इतना सुंदर पुरुष है, भाई मैं पुरुष होने के नाते मैंने पुरुष देखा, कोई साधिका ये न जाने प्रश्न करे कि भाई साधिकाएं क्या देखती हैं जो इस अवस्था को प्राप्त होती हैं या हो चुकी हैं, मैं नहीं जानता, मुझे अपना ज्ञान है। तो एक अत्यंत अद्वितीय सुंदर पुरुष बैठा है, और वो वही अभ्यासी होता है जो देखता है बस, और जब देखता है फिर और अभ्यास आगे, ये सहस्रार चक्र को कितना समय लगता है, और फिर क्या देखता है, जब और परिपक्व होता है, चित्त की भूमि भी टूट जाती है, ज्ञान भी खूब फैल जाता है, ये तमाम बातें हो जाती हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, मैं संचय में। फिर वो देखता है कि उस फूल के मध्य में दो बैठे हुए हैं, एक पुरुष एक स्त्री, और दोनों अद्वितीय सुंदर हैं, और आपको ही दिखाई देंगे कि आपकी ओर देख रहे और मुस्करा रहे हैं, वो और कोई नहीं, आप ही हैं, यानी अभ्यासी ही है। ये सहस्रार चक्र जब विकसित होता, ऐसा होता है, उसे कोई शक्तिपात करके उस चक्र को विकसित नहीं कर सकता, और ये नहीं कर, ये शक्तिपात से परे की चीज़ है। जैसा कि मैंने आप भी सुबह करवाया कि चलो ब्रह्मरंध्र खोल दो, वो इस भी ये विषय नहीं है, क्योंकि इसके विषय में बाद में बताऊँगा, उसे आगे की ओर जाना है, स्वयं अभ्यास करना है, इस संसार की वास्तविकता जाननी है, भोग के वास्तविकता जाननी है। और इतना जान लेता वो खुद ही कहता है सिर्फ ईश्वर है और मैं हूँ, कहता नहीं अंदर से, क्योंकि उसे इतना कष्ट मिलता, क्लेशात्मा कोई अपना नहीं होता, तब पता लगता है कौन है और क्या है। ठीक है, इधर ये होता है, और ये जब ये मान लो चित्त की भूमि टूट गई कई सालों में, फिर वो कुएं की तरह, क्योंकि आप अवस्था में, एक सिद्धांत है कि जब अपने से स्थूल चीज़ देखते हैं तो नीचे की ओर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, जब सूक्ष्म चीज़ अपने से देखते हैं तो ऊपर की ओर, क्योंकि वो सूक्ष्म है, व्यापक, सूक्ष्म चीज़ उतनी ज़्यादा व्यापक होती है स्थूल की अपेक्षा।
Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.